Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC News पर. आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ठंड शायद विलंब से चल रही है और धीमी गति से आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी तेजी से बढ़ रही है. चार राज्यों के परिणाम उत्साहवर्धक है. चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए मायावती ने 10 दिसंबर को BSP नेताओं की बैठक लखनऊ में बुलाई है. नोएडा से नैनीताल घूमने गए दो युवतियों के वाहन पलटने से मौत हो गई है. HCL कंपनी का 21 कर्मचारियों का दल टूर पर गया था. रविवार को वापसी में गाड़ी पलटी. हादसे में 5 लड़कियों समेत कुल 17 लोगों को चोटें आई हैं. चेन्नई में लगातार तेज बारिश हो रही है, वहां तेज हवा भी चल रही है. हालात ऐसे है कि कई जगह पेड़ भी उखड़ गए हैं. तमिलनाडु में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने शहर में भारी बारिश के बाद गंभीर जल जमाव के कारण पिरकन करई नई और पेरुंगुलर के पास ताम्बरम क्षेत्र से लगभग 15 लोगों को बचाया है. मिजोरम चुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था. आज मतगणना में यहां 174 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में BJP का अच्छा प्रदर्शन दिखता है. कि लोगों के दिल में क्या है, 2024 के लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में इसका दोहराव होगा. महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने 3 राज्यों में BJP की जीत पर कहा, जनता ने तुलना की है. एक तरफ कांग्रेस पार्टी का 65 सालों का अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण और देश कल्याण की योजनाएं की हैं. जनता का विश्वास मोदी जी पर है. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत इसके घटक दलों के साथ कुछ सीटें साझा की होती तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग होते. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि BJP ने 3 राज्यों में सत्ता हासिल कर ली है. कुछ लोगों को हमारा फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि देश में मोदी के बिना कोई विकल्प नहीं है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बड़ा बयान सामने आया है. मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, पहले घर घर मोदी कहते थे, अब मन मन मोदी हो गया है. साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, सभी मुद्दों पर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया है. NCP प्रमुख शरद पवार ने विधानसभा चुनाव नतीजों पर कहा कि ये जो रिजल्ट आया है वह फाइनल नहीं है. शरद पवार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा. महाराष्ट्र में NCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, ये लिटमस टेस्ट नहीं है. साल 2019 में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी और लोकसभा चुनाव में कुछ और ही हुआ था. एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम महागठबंधन के रूप में ये चुनाव लड़ेंगे. मुख्यमंत्री शिंदे ने महाराष्ट्र में 45 सीटें जीतने का दावा किया. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा का चुनाव भी हम साथ लड़ेंगे और जीतेंगे. घरेलू शेयर बाजार के धमाकेदार ओपनिंग का अंदाजा पहले से था और ऐसा ही हुआ है. आज बाजार के बंपर ओपनिंग में सेंसेक्स 950 अंक से ज्यादा तो निफ्टी 330 अंक से ज्यादा के उछाल पर खुला है. ओपनिंग में पूरे 1600 शेयर तेजी के साथ तो केवल 100 शेयर गिरावट के साथ खुले हैं. देश में सोने के दाम अब तक के सबसे महंगे लेवल पर चले गए हैं और ये पहली बार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चला गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया से बात की है. उन्होंने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है. बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन से जुड़ी हैरान कर देने वाली खबर आ रही है. दरअसल एक्टर को अपनी अपकमिंग फिल्म के एक्शन सीक्वेंस शूटिंग के दौरान चोट आई गई है. रणबीर कपूर की एनिमल की खुमारी पूरी दुनिया पर छा गई है. रिलीज के 3 दिनों में ही यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टॉप कर रही है. बिग बॉस 17 के घर से सनी आर्या यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहल का भाई बाहर हो गए हैं. दरअसल अभिषेक कुमार की कॉलर पकड़कर उन्हें धक्का देने की वजह से बिग बॉस ने सनी आर्या को बाहर का रास्ता दिखाया. यदि आज की टॉप 20 खबरों का सिलसिला NBC News पर यह लगातार चलता रहेगा. आप बने रहिए हमारे साथ NBC News पर. नमस्कार.